बैंक एक ऐसी संस्था है जिस पर इंसान खुद से भी ज़्यादा यकीन करता है, पर अगर इस बैंक में ही गड़बड़ियां होने लगे यह समझ से परे है। छत्तीसगढ़ जिला सरगुजा विकासखंड बतौली के ग्राम पंचायत टेड़गा के शिवपुर गांव के राजेश गुप्ता जो एक किसान हैं, उन्होंने फरवरी 2014 में सहकारी समिति को धान बेची थी जिसका पैसा सहकारी बैंक के खाता क्रमांक 6040170360004 पर जमा किया था। जब वह पैसा निकालने बैंक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि खाते से 15,000 रुपये गायब है, और यही नहीं किसान को यह जानकर हैरानी होती है कि उसका खाता का नंबर ही किसी चमर साई के नाम पर दर्ज कर दी गई है। मेरा खाता कॉपरेटिव बैंक में 5-6 साल से चल रहा था, लेकिन आज अचानक मैं जब कॉपरेटिव बैंक में अपना पैसा निकालने के लिए गया तो पता चला कि वो किसी चमर साई के नाम पर चला गया है और मेरे खाते से वो पैसा निकाल रहा है। और मैं सोसाइटी के मैनेजर के पास से पूछा तो बोले कि मैं इस पैसा को नहीं जानता हूँ, आप चमर साई के पास जाइए और उससे आप अपना पैसा वसूल करके ले लो। मेरा खाता अभी तक नहीं सुधरा है और मेरे को डर है कि मेरा धान का जो बोनस का पैसा आएगा वो भी चमर से निकाल के ले जाएगा। 15,000 रुपया तो मेरा वो निकाल ही चुका है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिया जा रहा धान का बोनस का पैसा मिलने ही वाला है। अब किसान को यह डर सताने लगा है कि कहीं उसके बोनस का पैसा भी कोई और न निकाल ले। इस वीडियो को देखने वाले तमाम साथियों से मेरी अपील है कि बैंक प्रबंधक दिनेश लाल, जिनका मोबाइल नंबर 9401630875 पर कॉल करें और किसान का पैसा दिलाने व खाते में हुई गड़बड़ी को सुधारने की अपील करें। मैं प्रकाश गुप्ता सरगुजा छत्तीसगढ़ से इंडिया अनहर्ड के लिए।